हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी शागीर अहमद का बुक और इसमें एक एक नियम को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक नियम यूनिटरी मेथड। और इसमें क्वेश्चन रहेगा 31 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक रहेगा। चलिए, अपने वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए, अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिनों में पूरा करें कौमा तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि 12 व्यक्ति कितना भाग भाई 3/5 भाग को नीचे रखेंगे, जो भी वर्क होता है उसको नीचे रखते हैं, और कितना दिनों में 10 दिनों में। कितना भाग भाई था 3/5 भाग था, 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पूरा भाग, इसका मतलब टोटल कितना, पूरा का मतलब कितना, टोटल एक क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल भाग कितने व्यक्ति, तो एम व्यक्ति कितना दिनों में 20 दिनों में। तो यहाँ से 20 दिनों में पूरा भाग इसका मतलब कितना, टोटल एक। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इंटू कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एम इंटू 20। ये 3/ कितना 5 है, भागा में उधर जाकर करेगा मल्टीप्लाई करेगा 3/5 से काट देंगे 5 से 5 × 20। और देखिए 34 का कितना 12 होता है, 12 को काट दिए कितना दिन, ये कितना आदमी एम बराबर कितना आदमी भाई, तो के बराबर 10 आदमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि एनसीसी के एक कैंप में 300 कैंडिडेट के लिए 22 दिनों के तक की भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैंडिडेट आ गए। कह रहा कि पहले ही दिन कुछ और कैंडिडेट आ गए, तो क्वेश्चन कह रहा कि वह भोजन सिर्फ 20 दिनों में समाप्त हो गया, तो बाद में कितने कैंडिडेट आए थे, जो आए थे फर्स्ट दिन वो कितना कैंडिडेट आए थे। कोई दिक्कत नहीं है, 300 कैंडिडेट थे, पहले कितना कैंडिडेट थे 300 कैंडिडेट थे, तो 300 दिन अगर कैंडिडेट रहते कितना दिन में वो भोजन समाप्त हो सकता था, 22 दिनों में समाप्त हो सकता था। आगे क्वेश्चन करें कि और कैंडिडेट आ गए, पहले 300 थे और कैंडिडेट आ गए, तो एक कैंडिडेट आए, अब कितना दिन तक चलेगा 20 दिन तक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहाँ से काटिए 20 से 10 से 10 काट दिए, 2 से काट दिए 2 से 11 कितना होता है 33, 330 इक्वल टू 300 और प्लस कितना एम, ये 300 इधर आके माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 30। कितना एक्स्ट्रा और व्यक्ति आए थे, तो 30 व्यक्ति आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 आदमी एक काम का एक तिहाई भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बचे हुए काम 25 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी काम अगर 20 व्यक्ति कर रहे हैं तो एक तिहाई इसका मतलब कि 1/3 काम और कितना दिनों में 20 दिनों में करते रहे। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि बचे हुए काम बताइए कि टोटल ये लोग ये भाग जो कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, टोटल 3 में एक काम कर दिया तो कितना बचा 2 काम है, 2/ कितना टोटल 3 में। और यहाँ से आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बचे हुए काम को 25 दिनों में करने के लिए और कितने व्यक्ति की जरूरत होगा, पहले कितना व्यक्ति था 20 व्यक्ति था, और कह रहे कि और कितना व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा, तो पहले 20 था आज कितना एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रहा है, और कितना दिन में 25 दिनों में। तो यहाँ से काटेंगे, ये 3 से 3 कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 5 से, पहले काटिए 5 का कितना होता है 20 होता है, ये सॉरी 5/5 कितना होता है 5/5 25 और 5 × 20 होता है 5 से काट दीजिए, और 5 × 20 4 × 16 दूरी है, मल्टीप्लाई भागा है तो उधर जाके काट मल्टीप्लाई, तो 4 × 16 दूरी कितना 32 और प्लस कितना
32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 + m, तो ये 20 इधर आगे क्या करेगा माइनस करेगा, तो माइनस कितना कितना व्यक्ति एक्स्ट्रा आए थे, तो 12 व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके कौमा, तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। कोई दिक्कत यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 42 आदमी किसी काम को कितना दिनों में, 15 दिनों में। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि 30 व्यक्ति कितना दिनों में करेंगे। ये तो क्वेश्चन हम लोग खूब फर्स्ट टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन पढ़े। यहाँ से 15 से कटाएंगे, 15 × 30 2 से कटाएंगे, 21 भी कितना होता है 42, तो कितना दिन आपका D2 के वैल्यू कितना दिन 21 दिन आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिन की रसद थी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद 125 को सैनिक चला गया। 10 दिन के बाद मतलब कि शुरू से एक दिन फर्स्ट दिन से लेकर 10 दिन तक उतना ही 750 आदमी खाए होंगे रसद को। अगर 10 दिन के बाद उस पर 750 में से 10 दिन के बाद क्या हो रहा है ना 125 चला गया, तो कितना 625 है ना बचा। अब 625 आदमी रहेगा तो कितना दिन तक खाएगा, यही तो पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 750 आदमी था सैनिक था और कितना दिन में 45 दिनों में खा रहा था। ठीक है, 45 दिनों में खा रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद 125 सैनिक चले गए। और बताइए कि 10 दिन के बाद ना 125 सैनिक चले गए, लेकिन शुरू से एक फर्स्ट दिन से लेकर 10 दिन तक 750 पुरुष खाए होंगे सैनिक, तो यहाँ से 750 अपना कितना दिन 10 दिन प्लस। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद जैसे ही 11वां दिन में काम हो रहे हैं, तो 750 सैनिक में से 125 चला गया, तो कितना बचा 600 कितना बचा 25। अब कह रहे हैं कि 625 सैनिक रहेगा तो कितना दिन में खा लेगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या 75 में अगर 45 से गुना कर दे 25 की 5 हासिल 2 और 7 × 5 35 2 कितना 37 और 5 × 20 की 0 और 7 × 28 2 कितना होता है 30 होता है 5 × 7 = 3 3300 कितना 75 हुआ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 5 = 0 प्लस कितना 625 और गुना क्या चीज डी। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 7500 इधर आएगा तो घट जाएगा ना, यहाँ से 7500 घट जाएगा, 7500 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ से घटा दीजिए 7500 यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना 05 ये हो जाएगा 2 और 13 मिले 7 ये कितना 6 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिएगा कितना 6 × 5 = 2 अगुना क्या चीज D2 यही ना बचा 25 से घटा दिए 25 के स्क्वायर 625 और 25 से इसे कम इसको कटाइए 25 से कम 25 कितना आप 25 से कम 25 हुआ एक को जीरो बैठाएंगे आप 25 से 25 पच्चीस 25 से और ये जीरो होगा 25 से कटाइएगा आप 2500 ठीक है 2500 आप 25 दूनी के कितना 50 इज इक्वल टू कितना दिन 42 दिन में ये 625 सैनिक जो थे लास्ट में वो समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन कर रहा था कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 55 दिन के लिए प्राप्त भोजन सामग्री है 15 दिन पश्चात। देखिए फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए कुछ और व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल कितना दिन तक 20 दिन और चल सकी, माने कुछ व्यक्ति आने के बाद 20 दिन तक भोजन चल रही है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति किला में और आए गए माने एक्स्ट्रा जो आए थे व्यक्ति वो कितना आए थे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2000 व्यक्तियों के लिए 55 दिन तक सामग्री चलता था 2000 अगर व्यक्ति रहते तो 55 दिन तक सामग्री चलता था, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 15 दिन के पश्चात और व्यक्ति आ गए तो लेकिन एक से लेकर 15 दिन तक 2000 खाए होंगे
तो यहाँ से 2000 कितना 15 और प्लस 15 दिन बाद जैसे ही 16वां दिन में काम लग रहा है तो 2000 कितना 2000 प्लस और व्यक्ति आ गए, एम व्यक्ति आ गए और कह रहा है कि केवल अब कितना दिन तक 20 दिन तक ही चल रहा है। तो आपका कितना व्यक्ति एक्स्ट्रा आया है वही तो पूछ रहा है आपका। यहाँ से चलिएगा, यहाँ से गुना करेंगे 54 कितना होता है 108 होता है और यहाँ से 000 = 15 कितना 30 हो जाएगा। 000 यहाँ बैठा देंगे और प्लस यहाँ से 2000 प्लस एम और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 20 गुना रख 108 पर 000 = 30000 चार जीरो हो गया प्लस कितना हो गया ये 2×2=4 हो गया और 4 पर कितना जीरो 1, 2, 3 और 4 जीरो कोई दिक्कत 20m। अब चलिए यहाँ से 4 और 3 = 7 ये हुआ 4 और 3 कितना 7 हो गया और 7 पर कितना जीरो 4 जीरो प्लस कितना 20m। अब बताइएगा जब ये 7000 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 3 जीरो से 3 जीरो घट जाएगा ये 3 जीरो लेकिन ये जो जीरो है 8 में ले 0 घटेगा तो कितना 8 और ये से 10 में ले 7 का कितना 3 इक्वल टू कितना ये 20m 0 से 0 काट दिए और ये 2 से काट दिए 19×38 तो कितना व्यक्ति आए थे एक्स्ट्रा तो 1900 ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड ऑप्शन नंबर 36 का आप देख लेते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन आया ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा था एक सैनिक कैंप में 150 सैनिक के लिए 45 दिनों के लिए रसद का प्रबंध है यदि 10 दिन के बाद 25 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए तो इस दर से रसद कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है ये भी पूछा है LIC 2003 में। यहां से क्वेश्चन आपका 37 नंबर कर रहा था कि 150 सैनिक हैं और 150 सैनिक 45 दिन के लिए रसद उनका रखा हुआ है 10 दिन के बाद 25 सैनिक चले गए तो एक से लेकर 10 दिन तक 150 सैनिक काम किए हैं कि नहीं खाए हैं कि नहीं तो 150 सैनिक 10 दिन तक खाए हैं और प्लस और 25 सैनिक चले गए तो कितना बचा 125 सैनिक चले गए तो कितना बचा 125 सैनिक और कह रहे हैं कि कितना दिनों में ये लोग खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है 45 में 15 से 15 बचे 75 की 5 15 बचे 75 की 5 हासिल 7 15 चौक 60 60 6 60 और 6 कितना होता है 60 15 बचे 75 की 5 अब 75 की 5 हासिल कितना 7 और यहां से 15 चौक 60 और 60 और 7 कितना होता है 67 यहां पे एक जीरो डाल दिए यहां से कितना हो गया 1500 और प्लस कितना हो गया 125 गुना कितना यही तो आपको निकालना है इसको घटा दीजिए तो 0×0 और 10 5 की 5 7 मिले 5 का कितना 2 और ये कितना होगा ये 5 होगा इक्वल टू 125 गुना क्या चीज D2 यहां से 25 से 25 बचे 25 से 25 से कटाएंगे 25×50 और 25 से 25 ये 0 और यहां से 5 से काट दीजिए 5 का कितना होता है 5 का कितना होता है 20 और 5×2 का कितना होता है यही तो आपका है D2 है D2 का वैल्यू कितना दे 42 दिन आपको चलेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यदि 35 घोड़े के लिए 54 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए प्राप्त है तो 28 घोड़े के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि 35 को घोड़ा है देखिए 35 को घोड़ा है और जो भी केजी होगा नीचे लिखेंगे तो यह 54 केजी है और कितना दिन में 21 दिन में ना कितना दिन में मेरे भाई 21 दिन में समाप्त कर सकता है तो आप कह रहा है क्वेश्चन की 28 घोड़ा और 72 केजी अनाज 72 केजी अनाज कितना दिनों में समाप्त करेंगे यही तो क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है 18 से 18 की कितना 54 18 चौक का 72 नीचे काट दिए पहले यहाँ से 3 से 3 = 21 और यहाँ से 4 से 4 = 28 7 कट गया तो कितना दिन
दिन के भाई लोग पूछ रहे हैं तो कितना दिन के लिए समाप्त कर देगा, कितना दिन में समाप्त कर देगा, 35 दिनों में समाप्त देगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 18 जिल्दार 10 दिनों में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्द चढ़ा पाएं सकेंगे, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए 18 जिल्द साज किसको कहते हैं, हम ही ना आप होंगे, अरे कोई कौन व्यक्ति ना कोई जिल्द साज जिल्द मर रहा है, ये बुक का जिल्द मरा हुआ है, कोई किसने मरा है, हम ही ना मरे हैं, कोई और मरा है। तो व्यक्ति के जब जिल्द साज के जब व्यक्ति हो गया 18 व्यक्ति 10 दिनों में, तो यहाँ से आपका रख दिए 10 दिनों में कितना जिल्द कितना पुस्तक, जो भी पुस्तक होगा नीचे रखेंगे 900 पुस्तक। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि 660 पुस्तक पर 12 दिनों में 660 पुस्तक को नीचे रख दिए और 12 दिनों में यहां से 12 दिनों में कितना जिल्दसाज मर पाएगा, एम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहां से एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 से 10 नीचे कटा दिए। अब चलिएगा यहां से 12 से इसको कटाते हैं, 6 से 6 दूनी के 12, 6 से 6 तिरी 18, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10 काट दिए, 3 से नीचे काट दिए, तितरी का 9, और 3 से इसको काट दिए तो कितना हो गया, ये 3 से काट दिए तो 33 से कितना, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ से काटते हैं पहले, यहाँ से इसको काटते हैं तो कितना होगा, 33 दूनी कितना 66, 3 से काटेंगे तो 11 3 33, और कितना हुआ एम के वैल्यू, कितना एम के वैल्यू, कितना 11, एम के वैल्यू कितना हुआ 11। देखिए तो ऑप्शन आया है 11, ऑप्शन ए कितना हुआ, ऑप्शन नंबर 4, 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 11। अगर मेरे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।